हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 22 दिसंबर 2023, एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये राज्य है उत्तराखंड। 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के इतिहास में क्या भूमिका निभाई? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के संदर्भ में 2+2 शब्द का क्या अर्थ है? तो ये है टू मिनिस्टर फ्रॉम ईच साइड, फॉरेन अफेयर एंड डिफेंस। 11 नवंबर 2023 को आयोजित 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन हैं? तो ये हैं डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोथ। पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है? पूसा 2090 मैच्योर्स फास्टर देन पूसा 44। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? शॉर्ट टाइम बिटवीन पैडी हार्वेस्ट एंड स्नोविंग वीट। 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई थी? 6th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दिए हम लोगों ने प्रज्वलित किए थे अयोध्या में। दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है? नवंबर 13 से नवंबर 17 तक। दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? एरोस्पेस इनोवेशन। कैसा लगा आपको ये 22 तारीख का सेशन? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।